हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टेक्निकल में। और इस वीडियो में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाला हूँ कि एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकलते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकलते हैं, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं इस वीडियो को उन्हीं लोग के कमेंट पर बनाया हूँ। तो दोस्तों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड को लेकर एटीएम मशीन पर जाना है और एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में स्वाइप करना है। जैसे आप एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में स्वाइप करते हैं तो एटीएम होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि सर्विसेस, मिनी स्टेटमेंट, रजिस्ट्रेशन, क्विक कैश, बैंकिंग, बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफ़र, फिक्स डिपॉजिट। तो आपको इसमें बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एटीएम होम स्क्रीन पे अगला पेज कुछ इस तरह के आएगा और आपको इसमें अपना लैंग्वेज को चूज करना है। यदि आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश क्लिक करना है, यदि आपका लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना लैंग्वेज को चूज करते हैं तो एटीएम होम स्क्रीन पे अगला पेज कुछ इस तरह के आएगा, प्लीज इंटर योर पिन। तो आपको इसमें अपना एटीएम पिन नंबर को इनपुट करना है। तो जैसे ही आप अपना एटीएम पिन को इनपुट करते हैं तो एटीएम होम स्क्रीन पे अगला पेज कुछ इस तरह के आएगा और इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, जैसे कि डिपॉजिट, ट्रांसफर, पिन चेंज, अदर, फास्ट कैश, कैश विद्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। तो आपको कैश विद्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कैश विद्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एटीएम होम स्क्रीन पे अगला पेज कुछ इस तरह के आएगा और इसमें आपको अकाउंट टाइप पूछा जाएगा। तो आपका जो अकाउंट टाइप है उस पर क्लिक करना है। यदि आपका अकाउंट करंट है तो करंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यदि आपका अकाउंट सेविंग है तो सेविंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपने अकाउंट टाइप को आप सिलेक्ट करते हैं तो एटीएम होम स्क्रीन पर अगला पेज कुछ इस तरह के आएगा, प्लीज इंटर अमाउंट। तो आप एटीएम मशीन से जितना पैसे निकालना चाहते हैं उतना अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। अमाउंट को डालने के बाद में यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एटीएम होम स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, प्लीज वेट। तो आपको कुछ समय तक वेट करना है। और एटीएम होम स्क्रीन पर एक और मैसेज आएगा, प्लीज कलेक्ट कैश। तो आपको अपने कैश को कलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, आप इस तरह से एटीएम मशीन से बैलेंस को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।